आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आदिन को दे दिया, आदिन को नहीं दिए टेंट, आदो को दिए ही नहीं है, और आदो को दिए, जो दिए वो भी टूट के गिर रहे हैं, टूट के गिर रहे हैं वो भी। ये टुक कब टूटा है? अभी गिरा है आंधी में। हाँ बारिश आई है, जब भी फायदा क्या उनको लगाने का, वैसे उड़ उड़ के गिरेंगे रोड पे, चोट लगेगी लोगों को, इनको भी लगेगी उनको भी लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और बेहू आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं कि तस्वीरें सब कुछ बोल देती है। हमारे पीछे देखें, ये बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो जिनके बाढ़ की वजह से जो है दिल्ली में हालात इतने बुरे हो गए थे कि उनको सड़कों पर आना पड़ गया था, सड़कों पर अपना जीवन यहाँ पर बिताना पड़ रहा था, गृहस्थ जीवन पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। ये सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से जो है टेंट लगवाए गए थे कि आने वाली और कोई बारिश के समय जो है लोगों को जो है इससे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन ये लगाए गए सरकारी टेंट की हालत देख लीजिए कि पहली बारिश और पहली ही आंधी के बाद इन टेंटों का ये हाल है। और सिर्फ ये हाल नहीं, इसके अंदर रहने वाले लोग भी इसके अंदर दब गए। कितनी बड़ी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती थी, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो विपक्षी दल को इस बात का अंदाजा तक नहीं है। दिल्ली सीएम बैठक करने पर लगे हुए हैं कि 2024 की हमें तैयारी कैसे करनी, लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के लोग जो सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर जो आपकी तरफ से आवाज दिए गए हैं उसके तो ये खस्ता हाल हो रखा है। और वहीं अगर बात की जाए तो आप लगातार बोलते हैं कि अस्पताल आपने जो है, स्कूल जो है लोगों के लिए खाली करवा दिए गए ताकि इन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। आज एक हफ्ते होने को आ गया है, ये राहगीर ऐसे ही सड़कों पर है। आइए लोगों से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर कब से हैं। कब से है यहाँ पर रह रही हैं? ये बाढ़ आई जब से, एक हफ्ते होने को आ गए। हाँ, ये टेंट कब गिरे? ये टेंट तो थोड़े से तो आए हैं और सारे तो यही पड़े हैं। आदिन को दे दिया, आदिन को नहीं दिए टेंट, आदो को दिए ही नहीं है, और आदो को दिए, जो दिए वो भी टूट के गिर रहे हैं, टूट के गिर रहे हैं वो भी। कब टूटा है? अभी गिरा है आंधी में। हाँ बारिश आई है जब भी। बिल्कुल मजबूती से तो फिर ये थे ही नहीं, नहीं ऐसी किसी को इस में कोई दुर्घटना तो नहीं घटित हुई, लोगों को कोई चोट वोट तो नहीं आई? एक ऑटो टूट गया है, ऑटो टूट गया, ऑटो एक ऑटो टूट गया। हाँ, और किसी व्यक्ति को तो चोट वोट नहीं आई है? नहीं नहीं, वो तो सही है। देखिए यहाँ से जाने गुजरने वाले लोग भी हैं। दिल्ली सरकार बहुत बातें और दावे करती है, ये देख लीजिए पहली आंधी है और दिल्ली सरकार के बनाए टेंट ऐसे गिर रहे हैं। इसको बांधना चाहिए था रस्सी से, आगे बांधो, ये बिल बने हुए बांधने के लिए बना हुआ है ना, हो तो फिर बात अलग है। ये लोहे के बने हुए, पीछे भी बना हुआ है, इसको बांध देते कम से कम गिरते तो नहीं, तो फायदा क्या उनको लगाने का, वैसे उड़ उड़ के गिरेंगे रोड पे, चोट लगेगी लोगों को, इनको भी लगेगी उनको भी लगेगी। दिल्ली सरकार लगातार ये बोल रही है कि हमने जो है स्कूल खुलवा दिए ताकि रैन बसेरे वाले जो हैं, जो ये लोग सड़कों पर हैं, वो वहाँ पर जा करके रह लें। अभी तक तो इनको भेजा नहीं गया। अब देखो तो अब ये सरकार जानती है, मैं तो इतना पता नहीं, खैर मैं तो इस टेंट के बारे में जानता हूँ, ये कैसे गिनने नहीं चाहिए थे, इनको बांधना चाहिए था। बाकी स्कूल खुले होंगे तो जो जमुना से हटके वो तो खुले ही होंगे, जो जमुना यहाँ पानी है वहाँ तो बंद ही है, खैर स्कूल बाकी जैसे गवर्नमेंट ठीक समझे। वाकई में ऐसे लगता है कि आज दिल्ली सीएम को यहाँ पर हालातों को संभालना चाहिए, विपक्ष के साथ बैठक करनी। हाँ आने चाहिए, लगे हुए वैसे मेरे ख्याल से आ रहे हैं, पूछने बीच बीच में तो आ ही रहे हैं, वैसे देख रहे हैं मीडिया में समाचार में आपके, बीच में जो लोग पता करने आ ही रहे हैं, लेकिन ये जो ऐसे गिरा है ये गलत है, केवल इतना भारी है, किसी की चोट भी लग सकती है, बहुत ज्यादा जान भी जा सकती है। हाँ चोट भी लग सकती है, चोट भी लगी होगी, एक हाथ के तो लगी होगी वैसे, बाकी ये देखो इनसे पता करो क्या हुआ है। देख लीजिए जो राहगीर हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि इतने भारी टेंट हैं, ये अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो कितनी बड़ी यहाँ पर खतरा हो सकता है, जान मान को खतरा हो सकता है, उसको समझा जा सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।